All right, so I just get ready for Diwali, and hey, what's up, people? This is Om Sriman. Welcome to my channel, vlog Priya, and बस अभी दिवाली के लिए तैयार हुए हैं एंड आई होप कि आप लोगों की दिवाली काफी अच्छी जाए। खैर अभी तो भाई दिवाली की शाम शुरू हुई है और प्लान ऐसा ही कि प्लान अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है, देखते जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है आपको प्लान पता चलते जाएगा। बाकी शाम के 6 बजे सो आई जस्ट हैड अ कॉल फ्रॉम प्रियल एंड ही सेड दैट कि भैया 2 मिनट में आ रहे, जल्दी से नीचे आओ, मैं 1 मिनट में नीचे जा रहा हूँ क्योंकि आज के दिन सब घूमने फिरने वाला, अगर अभी मैं बिजी हो गया तो भैया मैं बिजी हो जाऊंगा। रक्षा सदे नीचे और सर निकलते हैं फिर घूमने के लिए, पता नहीं कहाँ जाना, वो मिलेगा तो पूछते भैया कहाँ जाना है। यू गॉट माय पॉइंट राइट? और लड़के हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली बन सके सर। हाँ पूजा वूजा हो गया, जब पूजा हुआ है तुम्हारे फोन आने से ठीक 1 मिनट पहले पूजा हुआ है, कॉल करने वाले थे बट यू कॉल्ड मी। तो अब प्लान बताओ, प्लान क्या, प्लान मेरे को नहीं पता। हम अपने ब्लॉग में बता चुके हैं प्लान, आपके ब्लॉग के बारे में मिल चुके हैं शूम में से, बस अब जो बोले थे ग्राउंड मारेंगे, डबल डबल एंगल स्लाइडिंग आ रहा है और अच्छा रहा होगा अभी ये ग्राउंड मारेंगे तो राउंड मारते हैं, मिलते हैं 2 मिनट में। हाँ, अब थोड़ा बता दो कहानी वानी बता दो, चलना कहानी। हाँ तो कहानी कुछ ऐसा है शूम कि हम लोग को जाना है रात में, ठीक है, लेकिन राजनगर से पहले जो हम दोनों का प्लान था पर्सनल वाला, हाँ, कि मधुबनी घूमना है, मन है, ठीक है, लाइटिंग देखना है मधुबनी का, तो पहले लाइटिंग से चालू करते समझे। मेन लाइटिंग कहाँ रहता है, आपके घर से लेते हुए बड़ी बाजार। हाँ बड़ी बाजार तक, तो वहाँ पे हम लोग राउंड मारते गली गली, ठीक है, उधर से उधर चलेंगे सागर के घर में, वहाँ पे पूजा हो रहा है, ठीक है, वहाँ उसके दुकान पे भी मिल लेंगे उससे, ठीक है, और उसके बाद फिर वहाँ से अगर आलोक द मंगला बाइक निकाल लिया, अच्छा, तो हम लोग साथ में जाएंगे राजनगर आदि को लेकर। आलोक द मंगला, देखो बात ऐसी है कि आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आज तुमको बाइक निकालना पड़ेगा भैया। हाँ तो आलोक द मंगला को जाके समझाना पड़ेगा, है ना, उसको बता दियो ना, वैसे बात हुआ है ना आलोक से, सागर समझा देगा, सागर सागर है तो कोई दिक्कत मंगला मंगला के लिए। बाकी चले ये एक चीज, ये क्या देख रहे हैं क्या? अरे ये पापा का करामात, पापा जैसे तो डायलॉग मार रहे हैं, बोलते बेटा बाइक चाहिए ना, हम स्कूटी की चाबी मांग रहे हैं पापा, हम 100 का पेट्रोल भरा है, पेट्रोल पेट्रोल मत भरा, बढ़ा दिए पूरा 1000 का पेट्रोल, 5 और पटना से अप डाउन कर लेना। अच्छा अच्छा, प्यार तो करता है, टोंट मारे हैं प्यार करते, अभी टोंट नहीं पापा प्यार ऐसा ही होता है, लेकिन टोंट मारे पंडित जी है वो बोलेंगे बेटा पूजा करा देंगे यहीं पे, श्राप दे देंगे। पता घूम गया? हाँ अभी ना बहुत ज्यादा ही ब्रेक के अंदर चलाना पड़ेगा। हाँ इससे पहले चनवाद जाके साथ घूम गया है। अच्छा भाई लैंड माइन क्यों कहने दिखा हुआ, लैंड माइन पूछे होंगे। हाँ भाई उसको देख देख के चला होगा, क्या फट जाए, बड़ा बम लगा होगा तो और दिक्कत हो जाएगा। जो बात तो है, प्लान है चलते भाई इधर से घूमते हुए तो राइट से मारेंगे। यहाँ पे और देख के चलाना पड़ेगा, देखो लैंड माइन मुझे चौक पे लग सकता है, आगे वाले चौक पे संभाल के चलाना पड़ेगा, वहाँ पे लैंड माइन लगे हो सकते हैं, फटने वाला पटाखा फटे ना फटे भाई। मधुबनी का लाइटिंग बहुत ज्यादा लग रहा है, बहुत ज्यादा, हम पहली बार निकले दीपावली इससे पहले बस शहनवाज भाई के साथ निकलते थे। हाँ वो हम उधर से निकलते थे महाराजगंज, तो इस साइड ही घूमते थे ना, हम लोग आउटर जाते थे, आउटर जाते थे उस साइड वाला। अच्छा जैसे MMCH गए थे। हाँ नहीं तो हम जाते थे जीवत घाट। अच्छा चलो आज गया और जा रहे हैं नई जगह। भैया मूर्ति कैसे दिए, भैया मूर्ति कैसे दिए? ठीक है पूजा चल रहा है, पूजा होने जा रही है, फिर बात करते।
तो अभी जो आप लोगों ने देखा उसी लैंडमाइन की बात कर रहे थे हम लोग, है ना, नहीं बैठते फिलहाल, बात बात कर लेते इधर आने, तू भी आएगा फ्रेम में। सीन ये हो रहा है ना कि सागर घर पे हो रहा है पूजा दुकान पे, और मैं अगर यहाँ हूँ अभी तो इसीलिए क्योंकि पंडित जी हमारे यहाँ सवेरे आ गए। पंडित जी का सारा लफड़ा रहता है कि पंडित जी आज के दिन कभी फ्री ही नहीं रहते। सागर है मम्मी? हाँ माँ, मेरे यहाँ सवेरे आ गए थे इसीलिए हमारे यहाँ पूजा कंप्लीट हो गया था, और अभी सागर के यहाँ हो रहा है। और प्रियल को बहुत ज़्यादा ही लेट लग रहा है क्योंकि 8:30 एंड हमारा प्लान था 7:30 मैक्स टू मैक्स 7:30 तक निकलने का, बट यहाँ 1 घंटा आगे चल रहे हैं। तब क्या बोलता है, अब निकलेंगे घर? मम्मी बोली हम लोग आधा घंटा, मम्मी बोला बस जल्दी आओ, मेरे 15-20 मिनट हमारे पास मात्र 20 मिनट है। हाँ 20 मिनट यहीं घूम पाएंगे, चलते हैं क्योंकि 5-10 मिनट वहीं लग जाएगा ना सागर के लिए, हो सकेगा तो घूमेंगे, नहीं होगा तो बताते हैं फिर। अभी टेंस मत हो, अभी हम ब्लॉग नहीं कर रहे थोड़ा। हाँ थोड़ा लगे हुए मेरे। सो प्रियल जा चुका है कि एज आई टोल्ड यू किसी घर पे से फोन आ रहा था एंड सागर फ्री नहीं हो पाया। एक्चुअली दुकानें पूजा हो ही नहीं थी और दुकान फिर बंद भी करना था, और बहाने में लाइक 15 मिनट टाइम जाता, और प्रियल घर से बहुत ही एक्सट्रीमली फोन आ रहा था। मतलब देखो है तो अभी भी बच्चा, तो उसे ज़्यादा भी फ्रीडम दिया नहीं गया है घर से, इसीलिए कॉल वाला आ रहा था, बहुत ही जल्दी कॉल आ रहा था, लाइक इट इज़ अबाउट 9:00 एंड घर से फोन आ गया। तो अभी क्या बोलता है, चलो कहाँ जाएगा अभी? मंदिर चलते हैं। कहाँ, कौन सा मंदिर? काली मंदिर। बस काली मंदिर, बड़ी काली मंदिर, बड़ी काली मंदिर, थाना मोड़, थाना मोड़, गंगा सागर। काली मंदिर गंगा सागर दोनों देखिए। हर कोई नहीं रह सकता ब्लॉगर के साथ, चलो। अभी आपने जहाँ की प्रतिमा देखी वो थी थाना मोड़ की, अब हमारा नेक्स्ट स्टेशन है बड़ी काली मंदिर। सेकेंड स्टेशन चेक, बढ़ते अपने तीसरे और आखिरी स्टेशन की तरफ। थर्ड डेस्टिनेशन हैज बीन चेक्ड, अब निकलते घर की तरफ। क्या बोलता है, पटेटो चिली खाएगा? बन जा रहा खाना है, छोड़ देते ना भाई, भूख लगा है, भूख लगा है, रात का 10 बजे है, चलते घर, खाना खाते सो जाते हैं। पहले पटेटो चिली भैया, पटेटो चिली खाना है रात के 10 बजे इसको, नहीं मिलेगा, देखते हैं जाके पहले ट्राई करते हैं। सो जस्ट केम टू होम एंड जिसका डर था वही हुआ, मतलब जो मैंने कहा था कि भैया 10 बजे में कुछ नहीं मिलेगा, मेरा भाई ऐसा है ना कि क्या ही बताया कैसा है, पूरा घूम करके आ गया कुछ नहीं मिला। मैंने कहा मैंने तो पहले ही बोला था मिल गया तुमको तुम्हारा ये क्या था पोटैटो चिल्ली। हैप्पी दिवाली। तो दिवाली से मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है, आज से बहुत पहले की बात है, जब मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे ना दिवाली के दिन इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी ना, और हवा भी इतना चल रहा था ना कि एक भी दिया जलने नहीं दे रहा था। आप लोगों ने कभी देखा है कि नहीं बताना कि दिवाली के टाइम में बारिश हो रही है, बट उस टाइम में लिटरली बारिश हुई थी, और इतनी तगड़ी वाली बारिश हुई थी ना कि जैसे मैंने बताया कि एक भी दिया जल ही नहीं रहा था, मतलब जल ही नहीं दे रहा था, तेज तेज हवा चल रहा था, कैसे कैसे करके लोगों ने मैनेज किया, बट वही पाँच मिनट भी बहुत ज़्यादा बोलते, 30 सेकंड की मिनट बाद फिर सारे दिया बुझ जाते, बट वो फोर रिचुअल्स के लिए जलाए गए थे। तो बस ऐसे ही दिमाग में हिट किया, तो मैंने सोचा कि आई शुड शेयर विद यू, क्योंकि मेरे ज़्यादातर जो ऑडियंस है वो या तो मेरी एज के या तो मेरे एज से बड़े, तो हो सकता है कि उन्होंने देखा होगा, अगर आपने देखा हो तो बताना कि आपने ऐसा टाइम देख रखा है। वेल ऐसा गया मेरा शाम, पूरा दिन नहीं गया क्योंकि कल रात को जैसे मैंने बताया कि मुझे सर्दी हो रखी थी, तो वो सर्दी कंटिन्यू अभी भी थी पूरे दिन, वो सर्दी ना मतलब सर पकड़ के रखा था, पर शाम तक मैं एनी हाउ ठीक हो गया, और बस ऐसी मेरी शाम गुजरी। प्रियल का क्या सीन है कि प्रियल अभी भी बच्चा है, इसीलिए उसके घर में ज़्यादा उसके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते रात को बाहर निकलना, फिक्र रहती है पता नहीं कैसे वो टूर पे ट्रिप पे आ जाता है, वो भी मेरे कारण कि फैमिली बहुत ज़्यादा बड़े पर ट्रस्ट करती है भाई छठा टाइम, इसीलिए वो आ भी जाता है, वरना उसके घर वाले उसको निकलने नहीं देंगे अभी।
तो बस ऐसे ही थोड़े बहुत घूमा, जाने का प्लान कहीं और भी था बट वो प्लान कैंसिल करना पड़ गया था। अब दिन को यहीं पे खत्म करते हैं, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग।